नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का पूर्ण मसौदा प्रकाशित, करीब 2,89,00,000 लोगों के नाम सूची में शामिल। एनआरसी मसौदे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित। गृहमंत्री का सदन को आश्वासन, हर व्यक्ति को अपना दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव को सम्मन जारी किया। अमरीका ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत एक महत्वपूर्ण साझीदार। और चीन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणय अगले दौर में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का पूर्ण मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें राज्य के 2,89,83,677 नागरिकों के नाम शामिल हैं। कुल 3,29,91,384 लोगों ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया था। मसौदे में 40,07,707 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। गुवाहाटी में आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने कहा कि जिनके नाम मसौदे में शामिल नहीं हैं, उन्हें आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। श्री शैलेश ने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर कारण बताया जाएगा। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्यन गर्ग ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि किसी को भी बंदी शिविर या विदेशी नागरिक ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा जाएगा। राज्य के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के संयोजक प्रतीक हजेला ने कहा कि इस रजिस्टर के मसौदे में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें इस वर्ष 30 अगस्त से 28 सितंबर के बीच दावे करने के लिए फिर से आवेदन पत्र जमा कराने का कानूनी अधिकार है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पूर्ण राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मसौदे के प्रकाशन का स्वागत किया है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों के असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मसौदे पर हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। ये सदस्य इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग कर रहे थे। पहले स्थगन के बाद 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अपनी मांग के समर्थन में सदन के बीचोंबीच आ गए। शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मसौदे को अंतिम रूप देने में कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने कहा है कि काम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और निगरानी में हो रहा है। लोकसभा में आज शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी और आज प्रकाशित मसौदा अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, वे पहले उच्च प्रशासनिक स्तर पर और बाद में विदेशों से संबंधित ट्रिब्यूनल में अपने दावे और आपत्तियां पेश कर सकते हैं। श्री सिंह ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया कि सरकार अमानवीय दृष्टिकोण अपना रही है और लोगों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि हर व्यक्ति को अपना दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। जिन लोगों को भी लगता है कि हमारा नाम एनआरसी में होना चाहिए था, नहीं है, तो वो लोग अपना क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। मैं पूरे सदन से मैं अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सेंसिटिव इशू है, हम सभी का इस संबंध में सहयोग प्राप्त होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर अनावश्यक रूप से डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग अनावश्यक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी प्रकार के डर या आशंका की जरूरत नहीं है। एनआरसी की प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ की गई है। तृणमूल कांग्रेस के श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कार्रवाई असम के लोगों का उत्पीड़न है। कांग्रेस के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सूची से नामों को जानबूझकर हटाया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद सलीम ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे सावधानी से निपटाया जाना चाहिए।
तेलुगु देशम पार्टी के सांसदों ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। हाथों में तख्तियां लिए ये सदस्य नारेबाजी कर रहे थे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonyayar.nasa.in पर लॉग कर सकते हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मलेरिया मैं फैलाऊंगी। जरा ठहर तो मच्छर, हम तुझे पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या मतलब? पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे, घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे, मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे, हम मच्छरदानी में सोएंगे, हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। अभी समाचार मिला है कि एनआरसी मसौदे पर तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आईआरसीटीसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य दोषियों को समन जारी किया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक निजी फर्म को आईआरसीटीसी के दो होटलों के परिचालन का अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में उन्हें 31 अगस्त को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले में 16 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। केंद्र सरकार मेहुल चोकसी के मामले में संबद्ध सरकारी एजेंसियों और एंटीगुए तथा बहबोद की सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। धन शोधन मामले में चोकसी की तलाश है। सूत्रों ने बताया है कि एंटीगुए में मेहुल चोकसी की संभावित उपस्थिति के बारे में विदेश मंत्रालय को जैसे ही सूचना मिली, जॉर्जटाउन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एंटीगुए और बहबूद सरकारों को उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने और उसके इधर उधर जाने पर रोक लगाने के लिए सतर्क कर दिया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। बैठक में 2018-19 के लिए तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति से संबंधित वक्तव्य पर विचार विमर्श होगा और इस वक्तव्य को 1 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। एक विज्ञप्ति में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने 3 दिन की बैठक की व्यवस्था जारी रखने का फैसला किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस वर्ष 31 जनवरी को खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र बन चुका है। इस योजना के तहत अब तक 150 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और 146 शौचालयों का निर्माण चल रहा है। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 16,500 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। एक लाभार्थी ने बताया कि पहले उनके घर में शौचालय नहीं था, लेकिन सरकार की मुहिम से उन्हें लाभ मिला है। मेरा नाम सुभाष माल, हम छोकदारी में रहते हैं। हम लोग जंगल में कहीं समुद्र किनारे में जाता था, अभी जो स्क्रीम निकला उसमें टॉयलेट बनाया, अभी उसको यूज करता। एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि शौचालय का निर्माण कर उन्होंने भी एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ा दी है। मेरा नाम ललिता सरकार है, मैं पोर्टमठ में रहती हूँ। हमारे यहाँ पहले हर घर में टॉयलेट नहीं था, अब हमारे घर में टॉयलेट है। पहले तो जंगल में जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था, अभी हम लोग घर में टॉयलेट यूज करते हैं। सरकार तरफ से हम लोग को जो भी मदद मिला है बहुत अच्छा लगा। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल भी स्कूल और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बच्चे पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूक हो चुके हैं। स्कूल में ये बात पूरी तरह से घर कर गई है कि स्वच्छता क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जब शहर और गांव स्वच्छ रहेंगे तो पर्यटक भी अधिक आएंगे और इससे इन द्वीपों का आर्थिक विकास भी होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्टब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। बिहार में भारी वर्षा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है।
बेगूसराय में 3, कैमूर जिले में 2 और 5 अलग अलग जिलों में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले 48 घंटों के दौरान तेज वर्षा के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 2 अगस्त तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बारिश के कारण गंगा, बागमती और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी लखनऊ की ज्यादातर सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात बाधित रहा। प्रदेश के पश्चिमी तराई वाले और बुंदेलखंड सहित 25 जिलों में भारी वर्षा और बिजली गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या 80 हो गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को घटना के 24 घंटे के भीतर पीड़ितों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। माशा जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज करेगा तो जरूरी मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और संपन्नता सुनिश्चित करने के अमरीका के प्रयासों में भारत बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। अमरीकी विदेश मंत्री के नीतिगत मामलों के वरिष्ठ सलाहकार ब्रायन हुक ने आज वाशिंगटन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमरीका और भारत आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के नानजिंग में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी जस प्रणय ने न्यूजीलैंड के अभिनव मनोटा को 21-12, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष डबल्स में मनु अत्री और बी सुमित भी दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने बुल्गारिया के डेनियल निकोलोव और इवान रूसेव को 21-13, 21-18 से हराया। महिला डबल्स में संयोगिता घोरपड़े और पराजक्ता सावंत को तुर्की की बेंगुशु एरेसिटिन और नाजलिकन ने 20-22, 14-21 से पराजित किया। बॉम्बे शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव जारी है। दोपहर के कारोबार में संवेदी सूचकांक 149 अंक बढ़कर 37,486 पर था। सवेरे यह 159 अंक की वृद्धि के साथ 37,496 पर खुला था। निफ्टी भी 25 अंक बढ़कर 11,303 की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर हुआ। $1.68.71 का बोला गया। सरकार ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के लगभग 20 लाख स्वीकृत पदों में से 4 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति, सेवा शर्त और उनकी तैनाती राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पति को नवजात की देखरेख में एक समान मानने के उद्देश्य से मातृत्व कानून में संशोधन का उसका फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में यह बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का पूर्ण मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है। सूची में करीब 2,89,00,000 लोगों के नाम शामिल हैं। एनआरसी मसौदे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। गृहमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि हर व्यक्ति को अपना दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। दिल्ली की अदालत ने IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद, पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव को सम्मन जारी किए हैं। अमरीका ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। और चीन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जस प्रणय अगले दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।